नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुला है, आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटीज के लिए कैसा रह सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त $1,841 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी $24 के आसपास ही ट्रेड करती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में कल वाले ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है ना ज़्यादा मंदी। जो लेवल्स थे पहले के मुकाबले तो कुछ बड़े हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो डॉलर था डॉलर में गिरावट बनती नज़र आई है। दूसरा, ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, उसकी वजह से भी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। और आपको बता दें कि जापान के टोक्यो में ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी सख्ती से पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं, पाबंदियों को काफ़ी सख्ती से वहाँ पे फॉलो किया जा, पाबंदियों को काफ़ी सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। यही से बात करें अगर कच्चे तेल की तो WTI देख रहे हैं कि $83 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 2% की गिरावट के साथ, और ब्रांड क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि $86 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 2% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में कल के मुकाबले आज गिरावट बनती नज़र आ रही है। दरअसल कच्चे तेल में निवेशकों ने ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली की है, उन्होंने अपने सौदे काटे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने की कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट बनती नज़र आई है। दूसरा, अमेरिका के अंदर बीते कारोबारी सप्ताह कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज थी, जो कच्चे तेल के जो स्टॉक्स थे, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिका में कच्चे तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें बढ़त के आंकड़े जो निकल के सामने आए हैं, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है आज के कारोबारी सत्र में, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। कुछ खबरें तो ये निकल के सामने आ रही हैं कि जो सप्लाई है कच्चे तेल की, वो डिमांड को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा निकल सकती है, जो सप्लाई है डिमांड से ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ निवेशकों का ये भी मानना है कि अभी हाल फिलहाल में जो यमन हूतियों द्वारा UAE के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर जो हमला किया गया है, जो ड्रोन अटैक किया गया है, उससे कच्चे तेल की जो सप्लाई है काफ़ी जगहों पर बाधित हुई है। इराक से जो टर्की जाने वाली जो पाइपलाइन थी कच्चे तेल की वो तबाह हुई है, जिसकी वजह से वहाँ से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बंद हुई है। लिबिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, काफ़ी सारे ऐसे देश है जहाँ पर कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अभी कच्चे तेल में हाल फिलहाल में तेज़ी की ही उम्मीद है। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नॉन एग्री कम्युनिटीज़ का बाजार कैसा रहेगा और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा रह सकता है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आई है। खबर निकल के सामने आई कि अमेरिका में जो कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, बीते कारोबारी सप्ताह उनमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, और दूसरा जो प्रॉफिट बुकिंग है निवेशकों ने वो भी की है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन क्या कच्चे तेल का अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है यहाँ से? देखिए, फिलहाल बिल्कुल अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से, बिल्कुल US के अंदर इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़कर के आई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के ऊपर हल्का सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इन्वेंट्री बढ़ने के चलते थोड़ा सा बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखिए, अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है नीचे में, वो हो सकता है आपको $80 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी 85 के ऊपर था, वहां से फिसला है। लेकिन वहीं जो आगे अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर की, जो तो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है ऊपर में, $90 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड कच्चे तेल का अभी भी स्टिल बना हुआ है, और इतने ऊपर एक बार मार्केट जा सकता है। आज अभी हम देख रहे हैं कि 0.2% की अच्छी खासी गिरावट ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखाई दी है। तो ये जो गिरावट है वो बिल्कुल जो इन्वेंट्रीज बढ़कर के आई है उसी का ही असर है, जो कि कच्चे तेल के ऊपर देखने को मिल रहा है जी।
सिर्फ जी बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि कली वाले लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज भी। आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में अभी रुझान कैसा रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं और डॉलर में भी घटबढ़ रोजाना ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अभी हाल फिलहाल में सोने चांदी की कीमतों में कैसा रुझान रह सकता है? देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में रुझान अभी पॉजिटिव ही है। आप देखिए, डॉलर के अंदर लगातार गिरावट है और इन्फ्लेशन का भी जो है वो आंकड़ा बढ़कर आ रहा है, और फेड की आगे मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो गोल्ड की कीमतें फिलहाल तो सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है, और अभी जैसा की सेफ हेवन डिमांड इन्वेस्टर की तरफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अभी फिलहाल रेंज वही है 1800 से 1840 की रेंज बनी हुई है। अगर ऊपर जाता है यहाँ से तो 1860 तक एक बार सपोर्ट अपसाइड में जा सकता है, और नीचे में अगर लुढ़कता भी है तो 1820 से 1800 तक फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बाइंग में ही रहना चाहिए, निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलने में ही फायदा है, और आगे चल के मुझे लगता है कि गोल्ड एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। जी ही सिरुपा जी, बात करें अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर में बढ़त है इंटरनेशनल मार्केट में, $4.50 पर है, हालांकि आधे फीसदी से ज्यादा की करेक्शन भी है। वहीं से देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज बेस मेटल्स में कल की शानदार तेजी के साथ आज थोड़ी मुनाफा वसूली बनी है, जहां पर निकल को हमने कल 1800 के ऊपर निकलते देखा था, आज 1772 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जिंक और लेड के अंदर भी मंदी बनती नजर आई है। आज देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाजार है वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आने वाला कारोबारी सप्ताह बेस मेटल्स के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी बेस मेटल पॉजिटिव है, हल्की करेक्शन जरूर बाजार में आ सकती है क्योंकि लगातार तेजी देखने को मिली है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, इसी वजह से ऊपरी स्तरों पर हम दबाव आते हुए देख रहे हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो, बेस मेटल्स हो। तो मुझे लगता है कि कॉपर भी अभी देखिए फिर भी 750 के ऊपर ही है, तो कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। निकल आप देखिए 1772, बल्कि मुझे लगता है कि निकल अब 1800 के स्तरों को छू सकता है। आज हल्की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 1760 तक मैक्सिमम डाउनसाइड आ सकता है, लेकिन अभी भी बेस मेटल पॉजिटिव है और अगले हफ्ते भी नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक के देना चाहेंगी आप आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नॉन एग्री कमोडिटीज में, जिनमें आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सोने चांदी के अंदर ही बाइंग में रहा जा सकता है, और दूसरा बेस मेटल्स में बाई करके चला जा सकता है, जिससे आगे चलकर भी मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेस मेटल में अभी काफी पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बेस मेटल में बाइंग की तरफ रहा जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की।